पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चारिखिस्तान खत्म नहीं हो रही है। अभी तक सिद्धू फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक अमरिंदर आगे आ गए हैं। सिद्धू गुट मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह विधायकों के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं इन सभी को अमरिंदर सिंह ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी द्वारा दिए गए डिनर में 9 मंत्री समेत करीब 58 विधायक और 8 सांसद शामिल हुए हैं। उधर डिनर के बाद अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रविन ठुकराल का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं डिनर की खास बात ये रही कि इसमें वो भी शामिल हुए हैं जो कभी कैप्टन के विरोध में आवाज उठा रहे थे। कैप्टन ने अपनी ताकत तब दिखाई जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत देहरादून से दिल्ली पहुंच गए हैं। रावत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और पंजाब की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। ये मुलाकात बेहद अहम माना जा रहा है और इसमें पंजाब की राजनीति पर फैसला हो सकता है। वहीं एक तरफ अमरिंदर डिनर के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने निजी थर्मल प्लांटों से हुए समझौतों को रद्द करने का मुद्दा उठाया और अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की है। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह की 3 अलग अलग वीडियो की क्लिप शेयर कर 3 रुपए प्रति यूनिट घरेलू बिजली और 5 रुपए प्रति यूनिट इंडस्ट्री को बिजली का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने लिखा कि निजी थर्मल प्लांटों के साथ हुए समझौते रद्द किए जाए। सिद्धू लगातार कैप्टन को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर भी सियासी चाले चल रहे हैं। कैप्टन गुट ने डिनर पार्टी में लगभग 58 विधायकों और 8 सांसदों को बुलाकर सिद्धू और सोनिया गांधी दोनों को अपनी ताकत दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।